एटीएस से सोमवार को यूपी के 6 शहरों से 74 रोहिंग्या मुसलमान को गिरफ्तार किया। ये अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे। एटीएस के इस एक्शन के बाद सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ी है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक खुफिया इनपुट है कि यूपी में अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या 3 से 4 हजार के करीब है। इसमें वेस्ट यूपी में इनकी तादाद करीब 2100 है। सूत्रों के मुताबिक एजेंसियों की चिंता इस बात की है कि पकड़े गए कई रोहिंग्या 10 से 15 साल से यहाँ रह रहे हैं। कई लोगों ने तो यहीं का राशन कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट्स तक बनवा लिए हैं। ऐसे में उनकी पहचान कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। जो सच्चाई सामने आ रही है वो यूपी और देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। वे रिफ्यूजी बनकर आए और यूपी के अलग अलग शहरों में हमारे आपके बीच गुम हो गए। अब वो अपनी पहचान का पुख्ता आधार बना चुके हैं। उनके बच्चे सरकारी वजीफा पा रहे हैं, जिन्हें सरकार देश की सुरक्षा के लिए खतरा मान रही है। वो यूपी में हमेशा के लिए डेरा डालने की तैयारी कर चुके हैं। कौन है जो घुसपैठियों को दे रहा है यूपी में पना? कहां से बन रहे हैं घुसपैठियों के भारतीय होने के दस्तावेज? किसके दस्तखत से खुल रहे हैं घुसपैठियों के बैंक खाते? मेरा आधार मेरी पहचान, 12 अंकों वाला ये कार्ड देखकर देश में सब कुछ हो सकता है। आपको मोबाइल फोन का सिम कार्ड मिल सकता है, बैंक में अकाउंट खुल सकता है, वोटर कार्ड बन सकता है, पैन कार्ड बन सकता है और पासपोर्ट भी। यही आधार कार्ड देश में अवैध रूप से घुसे रोहिंग्या भी बनवा रहे हैं। ये तमाम आधार कार्ड जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो रोहिंग्या घुसपैठियों के हैं, उन्हीं घुसपैठियों के जिन्हें गृह मंत्रालय देश की सुरक्षा के लिए खतरा बता चुका है और सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि रोहिंग्या घुसपैठियों को देश के बाहर भगाने का पूरा अधिकार सरकार को है। लेकिन पूरे यूपी में रोहिंग्या घुसपैठियों ने अपनी पहचान छिपाकर आम लोगों के बीच अपना कुनबा बसाना शुरू कर दिया है। यूपी में भी इस खतरे की घंटी बज चुकी है। सोमवार को यूपी एटीएस की टीम ने यूपी के कई शहरों में छापेमारी कर करीब 74 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया। इनमें पुरुषों के साथ साथ महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा गिरफ्तारी मथुरा से हुई है और यहाँ एक रोहिंग्या मुसलमान ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। मथुरा के अलावा हापुड़ और अलीगढ़ से भी एटीएस की टीम ने छापेमारी कर कई रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया है। मथुरा में एटीएस की कार्रवाई हुई है और करीब सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पर रह रहे थे और ये पीछे जो मेरी बस्ती आप देख रहे हैं ये वही बस्ती है जहां से रोहिंग्या को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कई लोगों को यहां से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऐसे में क्योंकि मथुरा में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या गिरफ्तार हुए हैं, करीब 31 लोगों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है जो अवैध तौर पर हिंदुस्तान में घुसकर यहां पर रह रहे थे। एटीएस सूत्रों के मुताबिक इन लोगों से पूछताछ में एक जैसी बात ही सामने आई है। इन लोगों ने बताया कि दलाल ने उन्हें पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से अवैध रूप से भारत में एंट्री कराई। इसके बदले वो 50,000 से 1,00,000 रुपए लिए। ज्यादातर रोहिंग्या समय समय पर रहने की जगह बदलते रहते हैं। रोहिंग्या परिवार पकड़े जाने के बाद पुलिस अब एक्टिव है, इन सभी से पूछताछ हो रही है। संदिग्ध इलाकों में पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। इसके साथ ही जिन फैक्ट्रियों और स्लॉटर हाउस में ये सभी काम करते हैं वहां का भी रिकॉर्ड खंगालने की तैयारी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रोहिंग्या भगाओ देश बचाओ ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको समझाने जा रहे हैं। अवैध तरीके से बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसपैठ की गई है और म्यांमार के रहने वाले कुछ रोहिंग्याओं की घुसपैठ कराई गई है। भारत की सीमा पर मौजूद एजेंट रोहिंग्याओं का दाखिला कराते हैं। तो ये जो एजेंट हैं जो सीमाओं पर रहते हैं वो रोहिंग्याओं का दाखिला कराते हैं। गोल्ड और महिलाओं की तस्करी से भी जुड़े हैं रोहिंग्या के तार। तो यहाँ पर तस्करी भी की जा रही है, गोल्ड की बात करें या फिर महिलाओं की बात करें। फर्जी दस्तावेजों की मदद से पहचान बदलकर बसाया जाता है इन लोगों को और फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारतीय पासपोर्ट बनवाकर विदेश भेजा गया है। इसके साथ ही साथ हवाला के जरिए मोटी रकम का लेन देन भी करते हैं। स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं रोहिंग्या मुसलमान।